एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं 2022 ST125DX6 मॉडल की। तो क्या क्या कंपनी ने इसमें चेंजेस किए हैं, सो बात करेंगे इसके मेंटेनेंस की, इसकी सर्विसिंग कॉस्ट की एंड इसके फीचर्स की एंड इसके माइलेज की। तो चलिए करते हैं सर राइड। सो फाइनली गाइज आ चुके हैं अपने बाइक पर एंड पिकअप की अगर मैं इसकी बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पिकअप आपका इसको देखने को मिल जाता है। हालांकि ये 125cc की बाइक है एंड फर्स्ट टाइम जब इसको राइड करेंगे तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाला है कि आप 125cc की बाइक राइड कर रहे हैं। एंड अगर इंजन की इसकी मैं बात कर लेता हूँ तो 125cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन जो कि अराउंड 10.8 PS की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 10.9 पावर सफिशेंट है गाइस। एंड हाईवे रनिंग हो या सिटी रनिंग आपको बिल्कुल भी पावरलेस फील नहीं होने वाला है। डे टू डे कंफर्टेबल बाइक ये होने वाली है एंड डे टू डे जब आपको इसको चलाएंगे सो कंफर्टेबल आपको बहुत ज़्यादा महसूस होने वाला है। शाइन 125 से ज़्यादा रिफाइंड ये बाइक मानी जाती है, लेकिन एक चीज़ जो अभी भी मुझे फील हो रही है वो है इसका वाइब्रेशन। सो वो तो आपको इसमें फील होने ही वाला है। एंड सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सस्पेंशन इसका अच्छा ठीक ठाक मुझे लगा। एंड कंट्रोलिंग की अगर मैं बात करूँ तो कंट्रोलिंग भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि हैवी वेट की बाइक होने वाली है। अगर मैं वेट की इसकी बात करूँ तो 170 kg का आपको इसमें वेट मिल जाता है। एंड सीट हाइट की बात करूँ तो 790 mm की सीट आपको यहाँ पर मिल जाती है। एंड एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 65 km/L का एवरेज आपको यहां मिल जाता है। हाईवे रनिंग हो या सिटी रनिंग 65-70 km/L का एवरेज ये दे देती है। मुझे तो ये बाइक एकदम ठीक ठाक लग रही है। तो चलिए बाइक में आपको एक बार दिखा देता हूं सो गाड़ी दिखने में कैसी है एंड यू कैन सी इट। बात कर लेते हैं अपन इसके मीटर्स की एंड फीचर्स की। सो ये रहा अपना फ्यूल मीटर एंड ये रहा अपना स्पीडोमीटर एंड ये रहा न्यूटन लाइट एंड ये रही अपनी स्टैंड लाइट। सो ये रहा टाइम, आप यहां से देख सकते हैं। सो ये रहा अपना गियर मीटर एंड ये सर्विसिंग लाइट। और गाड़ी अभी कितनी चल चुकी है सो ये यहां दिखा रहा है, यहां शो रही है आपकी रनिंग। एंड यहां से आप फीचर्स को सेट कर सकते हैं, टाइम को सेट कर सकते हैं, मीटर को रीसेट कर सकते हैं। सो ये इसका इंडिकेटर बटन एंड ये हॉर्न बटन एंड ये पासिंग लाइट। आप इससे लाइट को पास लो कर सकते हैं, हाई या लो में आप चला सकते हैं लाइट को। एंड यहाँ पे आ जाते हैं। सो ये रहा आपका सेल्फ, काफ़ी स्मूथली सेल्फ इसका स्टार्ट है एंड गाड़ी काफ़ी स्मूथली इससे स्टार्ट हो जाती है। सो यहाँ पर आपको LED लैंप्स मिल जाती हैं, यहाँ हेड कवर आपको प्लास्टिक का मिल जाता है। एंड बात करूँ फ्यूल टैंक की तो 11 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इसमें मिल जाता है। एंड रियर शॉकर आपको यहाँ मिल जाते हैं, स्टेनलेस स्टील का साइलेंसर कवर आपको मिल जाता है। एंड नई बैक लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड रियर फुटरेज कवर जो कि हार्ड प्लास्टिक का है यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इंजन कवर आपको प्लास्टिक का मिलने वाला है। सो एक बार फिर से हम बाइक पर आ चुके हैं। FI टेक्नोलॉजी जो कि फ्यूल इग्निशन टेक्नोलॉजी है जो कि इसमें दी जाती है एंड थोड़ा स्पोर्टी लुक इस बाइक को बनाया गया है। एंड यहां से आप मीटर को रीसेट कर सकते हो, टाइम सेट कर सकते हो, मीटर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। सो यहां रनिंग एवरेज आपको दिखा रही है ये बाइक 89 km/L का रनिंग एवरेज दिखा रही है। एंड यहाँ से एक बार फिर से आप इसको रीसेट करेंगे सो यहाँ करेंट एवरेज जो निकल रहा है जो कि 60.1 km/L का दिखा रहा है यहाँ पे। सो यहाँ आपको इको लाइट मिल जाती है, काफ़ी अच्छे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड बात करूँ मैं इसके सर्विसिंग कॉस्ट की तो 1000 के आसपास यानी 1000 के आसपास आप इसकी सर्विस को मेंटेन करा सकते हैं कहीं भी।
सो टू वेरिएंट कंपनी इसमें प्रोवाइड करती है, ड्रम एंड डिस्क। सो दोनों में आपको 4,000 रुपीज़ का यानी 4,000 के आसपास का डिफरेंट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सो बात कर लेता हूँ इसकी प्राइस की। सो एक्स शोरूम इसकी प्राइस होने वाली है 87,000 यानी 87,000 रुपये। एंड ऑन रोड अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 लाख यानी 1 लाख के आसपास आपको ये बाइक परचेज हो जाएगी। सो काफ़ी ज़्यादा बजट लेस ये बाइक आपके लिए होने वाली है। आपकी डेली रनिंग है एंड आपको मेंटेनेंस भी लो चाहिए, आपको एवरेज भी ठीक ठाक चाहिए। सो आप SP125 ले सकते हैं। आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्रेस बेल आइकन। सो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।